हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम बैक इन अवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज को जो आप सबका 11 सपोर्ट मिल रहा है, आई रियली अप्रिशिएट योर 11 सपोर्ट टू आर इंग्लिश मास्टर चैनल। थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, एज आई मीन टू से कि हमने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है यूनिट नंबर 3 को। सो यूनिट नंबर 3 का जो 3.1 है, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ आइडियाज इन सेपरेट लेक्चर, और इसके एक जो एग्जाम्पल्स है वो मैंने सेपरेट लेक्चर में दे दिया है। सो दिस इज द 3.2 ब्लॉग राइटिंग। ये आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए राइटिंग स्किल का क्वेश्चन आ सकता है। सो चलिए इसको लर्न करते हैं, आपके इंग्लिश युवक भारतीय टेक्स्ट बुक का जो 3.2 है ब्लॉग राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत में आपको यहाँ पर दिखेगा, दिस इज द इमेज विच इज आई हैव टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पर दिया है मैन वर्सेस नेचर, ठीक है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, ऊपर नेचर का इमेज शो कर रहा है, नीचे ह्यूमन बींग, राइट। और यहाँ पर थोड़ी इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ब्लॉग राइटिंग। ओके, ब्लॉग राइटिंग क्या होता है? ऑनलाइन, यानी कि जो भी राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो अपनी जो भी स्टोरीज है या फिर जो उनके थॉट्स है वो लिखते हैं और जो किताबें पब्लिश करते हैं, राइट। सो क्या होता है, न्यूज़पेपर थ्रू आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। सो दिस इज दी ऑनलाइन आर्टिकल पोस्टिंग, हम इसको कहते हैं कि ऑनलाइन कोई आपको अगर चीज अच्छी लगे, इफ यू हैव फंड ऑफ राइटिंग, इफ यू हैव फंड ऑफ एनीथिंग एल्स, यानी कि आपको घूमने फिरने की आदत है, नए नए चीजों पर आपको रिसर्च करने की अगर आदत है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड कंटेंट जमा करके ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन पूरा पोस्ट कर देना एक आर्टिकल बना के, उसको कहते हैं ब्लॉग राइटिंग। और इसके थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हो स्टूडेंट्स। सो आपके क्लास 11 के टेक्स्ट बुक में ये आपके सिलेबस में इसलिए डाल दिया गया है राइटिंग स्किल में, दैट इज वाई द रीजन इज कि आगे जाकर आफ्टर क्लास 11-12 आपको जो भी अपकमिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। सो ऑनलाइन बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है टू अर्न मनी, सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। सो चलिए मैन वर्सेस नेचर, अभी तो हम देखेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से दिस इज द 4 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ता है टाइटल, टाइटल ऑफ की आप जो ब्लॉग राइटिंग करने वाले हो, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको एक इमेज लेनी पड़ती है, एंड देन आपको जो टॉपिक आपने लिया है उसको एक्सपांड करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, मैन वर्सेस नेचर, यानी मनुष्य के विरुद्ध प्रकृति। चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर प्रकृति, ऊपर दिया है पेड़, नीचे एक इंसान का हाथ है। सो इट इज शोइंग मैन वर्सेस नेचर। इट्स पॉरिंग आउटसाइड एंड द रोड्स आर अगेन फ्लडेड, यानी कि बाहर वापस से पानी जमा हो चुका है, बहुत सारी ढेर सारी बारिश हो चुकी है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट अनफॉरगेटेबल डे इन जुलाई 2005 व्हेन मुंबई ऑलमोस्ट ड्रॉन, यानी डूब जाना। ये जुलाई 2005 का वो इंसिडेंट है जब बहुत भारी मात्रा में बॉम्बे में बारिश हुई थी, और इससे रिलेटेड ये कंटेंट जो भी कोई पर्सन है उन्होंने ब्लॉग राइटिंग के थ्रू शेयर किया है लोगों के साथ। इट सीम टू बी अ बैटल ऑफ मैन वर्सेस नेचर एंड द पर्सन इज वांट टू टेल हिज आइडियाज अबाउट दिस थिंग, कि ये एक प्रकार का प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक बैटल है, एक युद्ध चल रहा है। दिस टाइम मैन फाइनली वन, और इस बार मनुष्य जीत चुका है। बट विल मैन ऑलवेज विन, नहीं, यहाँ पर वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्या इंसान हमेशा जीत सकता है? When I watch TV or browse through the net, I begin to wonder about such things as the end of the world and so on. जब भी मैं न्यूज चैनल ऑन करता हूँ, जब भी मैं कोई अभी न्यूज पढ़ता हूँ, तो यही खबरें चलती है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। सो ये एक उन्होंने उनका एक थॉट दिया है मैन वर्सेस नेचर का। इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू नीड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस, ओके। और इन द सेकेंड पैराग्राफ आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देना है इन्फॉर्मेशन, दैट इज यहाँ पर देखिए, दिस मैन वर्सेस नेचर कॉन्फ्लिक्ट इज द थीम ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज क्लासिक द ओल्ड मैन एंड द सी, वेयर द ओल्ड मैन बैटल अगेंस्ट मार्लिन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो पोएम है द ओल्ड मैन एंड द सी, तो उसमें का उन्होंने एक इंसिडेंट यहाँ पर लिया है। बेसिस ऑन दैट ही इज जस्ट एक्सप्लेनिंग द आइडिया अबाउट इट, कि मैन वर्सेस नेचर ये जो थीम है ये उन्होंने यहाँ पर ली है, दैट ही इज सेइंग कि टुडे वी आर विली नीली चैलेंजिंग नेचर बाय आर प्रैक्टिसेस। ग्लोबल वार्मिंग हैज ऑलरेडी गिवन अस अ वार्निंग ऑफ थिंग्स टू कम। नेचर में जो इंसान का
हस्तक्षेप बढ़ रहा है, या फिर जो इंसान नेचर के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है, पेड़ काटना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बांधना, उसके बाद जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। मे बी इन अ फ्यू ईयर्स वी विल बी बैटलिंग फॉर सर्वाइवल, और कुछ सालों के बाद हम जीने के लिए सफर करेंगे, बाय डिस्ट्रॉइंग मैनग्रोव्स, कटिंग डाउन रेन फॉरेस्ट, बिल्डिंग ह्यूज एडिफाइसेस indiscriminately allowing the population to explode and using up the natural resources without a second thought. We are inviting trouble and nature is cruel, not kind. So the person is saying कि ये जो नेचर है यहाँ पर ये क्रूएल दिख रहा है, यानी कि मनुष्य ही इसको ऐसा बना रहा है कि जिस तरह से ऐसा दिखे कि प्रकृति हम पर अभी कहर ढाएगी और वो हम पर दया नहीं करती। लेकिन क्या है कि अगर हम अपनी लिमिट में रहें, लाइक कि आप पेड़ ना काटे, आप जो प्राणी या फिर जो एनिमल जंगल में रहते हैं वो रोड पर क्यों नजर आते हैं, उनके रहने के लिए जगह ही खत्म हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग आउटसाइड। सो इससे क्या होता है, अगर किसी इंसान को कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर वो ब्लेम करता है उस एनिमल को, लाइक तो दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। यहाँ पर देखिए इन द लास्ट पैरा आपको क्या लिखना है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द ब्लॉग राइट दैट इज टू ऐड टू माई वोज your own thoughts, you need to provide your own thoughts that what you are thinking about the topic which you have selected. To add to my oaths, I have just seen a TV warning of a storm and danger of flooding in far away New Orleans. I look out of my window and it is still pouring. Will we win our battle against nature? So yahan par ye jisne ye blog likha hai, that person is showing the thing that ki usko bahut chinta ho rahi hai कि अभी भी मैं घर से बाहर देख रहा हूँ खिड़की से जाकर, तभी बारिश जोर से हो रही है, क्या ये प्रकृति का जो मनुष्य के और प्रकृति के बीच में का ये संघर्ष है। बट देन वाई शुड वी फाइट नेचर, लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, वी शुड वर्क हैंड इन हैंड नॉट अगेंस्ट ईच अदर, बट हु कैन बी मोर फुलिश देन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इंसान बहुत ही मूर्ख है कि वो क्या करता है, प्रकृति की जो नियम है उसके आगे वो बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ट्रबल्स आ जाते हैं, उसको इंसान को फेस करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक टॉपिक दिया है मैन वर्सेस नेचर, इस तरह से आप चाइल्ड लेबर, अ कर्स टू ह्यूमैनिटी, उसके बाद से नो टू टबैको, गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। अगर किसी जगह पर आप ट्रैवल करते हो, इफ यू हैव फंड ऑफ ट्रैवलिंग, सो आप दे सकते हो, अगर आप गए हो कहीं पे घूमने के लिए, लाइक कि गोवा पे आप गए हो, सो गोवाज ब्यूटी करके आप एक टाइटल दे दीजिए, गोवा का एक अच्छा सा पिक्चर वहां पर डाल दीजिए, एंड राइट डाउन द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस वेर यू विजिटेड। सो ये हो गया आपका ब्लॉग राइटिंग। जिसको अभी गोवा जाना है वो पर्सन ऑनलाइन सर्च, अभी तो 99% लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं अगर कहीं पे जाना है तो। सो द लाइक दिस आप ये आपका एक इनकम सोर्स अर्न करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। एंड द मेन थिंग दैट कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो आपको मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें उस पर ध्यान देना है। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग। आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट इज व्हाट इज ब्लॉग राइटिंग। अ ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल और इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट। यानी कि क्या होता है कि जो आप नई नई चीजें ऑनलाइन एक्सप्लोर करते हो, जो भी चीजें आपको, यानी कि इफ यू आर पोस्टिंग एनी पोस्ट, आप अभी फेसबुक यूज करते हो, देर आर सो मेनी सोशल मीडिया साइट्स, दैट इज ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि हर जगह पर आपका फोटो डाल देते हो, हैशटैग डाल देते हो, तो उसको पोस्ट कहते हैं। लाइक दैट ब्लॉग राइटिंग में भी एक इमेज होता है, उसके साथ उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है, उसको कहते हैं पोस्ट करना, ठीक है। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर और इवन अ ग्रुप ऑफ राइटर शेयर देयर व्यूज ऑन एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। कई सारे लोग अपने अपने जो थॉट्स होते हैं वो यहाँ पर शेयर करते हैं। ईच एंट्री इज कॉल्ड अ पोस्ट, द साइट इज रेगुलरली अपडेटेड एंड पीपल कैन लीव कॉमेंट्स अंडर द ब्लॉग पोस्ट इन ऑर्डर टू स्टार्ट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। ब्लॉग पोस्ट करने के बाद ब्लॉग राइटिंग, एट द टाइम ऑफ ब्लॉग राइटिंग वहां पर आप जो भी पोस्ट डाल देते हो उसके नीचे कॉमेंट्स का भी ऑप्शन आता है, यानी कि द पब्लिक, जो भी व्यूवर्स आपके होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन के थ्रू जाएंगे, तो उनके थॉट्स वो कमेंट्स थ्रू आपको बता सकते हैं। सो दिस इज द थिंग विच इज इन द ब्लॉग राइटिंग। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स सम कॉमन फीचर्स ऑफ टिपिकल ब्लॉग, दैट इज नंबर 1 हेडर विद द मेनू और नेविगेशन बार। उसमें हेडर होता है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा लाइक दिस यहाँ पर, कि यहाँ पर ये हेडर हो गया, दिस इज द टॉपिक।
Then the second point number two, that is main content are with highlighted or latest blog post, older post can be archived. यानी कि जो भी नए नए पोस्ट आप डालते हो वह नए पोस्ट पहले आ जाते हैं और जो पुराने पोस्ट है वो अर्काइव हो जाते हैं. नंबर थ्री, साइड बार विथ सोशल प्रोफाइल्स फेवरेट कंटेंट एटसेट्रा. साइड बार होते हैं उस पर आपकी इंफॉर्मेशन दिखती है, इन शॉर्ट में हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरीज और जो कोई भी पर्सन ये ब्लॉग राइटिंग कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर होती है. नंबर फोर, यहाँ पर होता है फुटर विथ रेलिवेंट लिंक्स लाइक डिस्क्लेमर, प्राइवेसी कॉन्टेक्ट पे एटसेट्रा. यानी कि आप प्राइवेसी पॉलिसी कर सकते हो, कॉपीराइट पॉलिसी कर सकते हो कि आपका कंटेंट कोई चुरा ना ले, उसको कोई कॉपी पेस्ट करके सेम इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर पोस्ट ना करे. इसके लिए ये भी ऑप्शन ब्लॉग राइटिंग में होता है. नंबर फाइव, पिक्चर्स इमेजेस एंड वीडियोज आर एडेड वेयर रेलिवेंट. अगर आपको पिक्चर्स पोस्ट करने, पिक्चर पोस्ट कीजिए इमेजेस के लिए, या फिर आप छोटा सा वीडियो बनाकर वो डाल सकते हो और इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हो सो उसको भी आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग में एड कर सकते हो. What are the reasons for blogging or benefits of blogging? अभी इसके पीछे के कारण और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है. नंबर वन, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स. हर किसी को अपनी बुक पब्लिश करने का मौका मिलता ही ऐसा नहीं ना स्टूडेंट्स, राइट? सो आपको अगर अपने थॉट्स, आपके दिमाग में अगर कुछ अच्छे आइडियाज हैं, इफ यू आर अ गुड राइटर, आपको अच्छे अच्छे स्टोरीज लिखते हो, अच्छे अच्छे थॉट्स लिखते हो, सो आप अपने ब्लॉग पर वो पोस्ट कर सकते हो. नंबर टू, टू शेयर योर पैशंस, टू शेयर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस. नंबर थ्री, टू कनेक्ट अस टू पीपल, इंट्रोवर्ट्स कैन सेफली वॉइस देयर ओपिनियंस. यानी कि लोगों के साथ जुड़ने का यह बहुत ही आसान तरीका है. इंक्रीजेस मीडिया एक्सपोजर, इससे इसकी वजह से सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो जाते हो. नंबर फाइव, बिल्ड्स योर प्रोफेशनल नेटवर्क, मे बी हेल्पफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ. इससे जाकर आगे जाकर आपको कुछ अच्छा मौका भी मिल सकता है. नंबर सिक्स, रिफाइंस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, इससे आपका राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाता है. एंड नंबर सेवन, कैन बी अडॉप्टेड एज अ करियर टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉग स्टूडेंट्स, सो नाउ द नंबर वन, ब्लॉग्स रिफाइन योर थॉट्स. आप अच्छे अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं. नंबर टू, दे रिवॉर्ड द क्रिएटर. ब्लॉग राइटिंग से क्या होता है कि आपको गूगल की तरफ से एड्स आ जाते हैं और आप उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. दे एनहांस नॉलेज, इसकी वजह से आपका नॉलेज एक्सपांड होता है. नंबर फोर, दे कनेक्ट द पीपल, ढेर सारे लोगों के साथ आप जुड़ते हो. नंबर फाइव, दे गिव इंट्रोवर्ट्स अ वॉइस, आपको एक पहचान मिलती है. नंबर सिक्स, दे रिवॉर्ड द न्यू एज पब्लिशर्स. अभी जो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ब्लॉग पोस्ट करना है, आप अगर ब्लॉग राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, सो देर इज नो एज लिमिट, देर इज नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा तू पीजी हो या फिर यूजी हो, यानी कि अगर तुमने डिग्री कंप्लीट की है तभी तुम कर सकते हो, नथिंग लाइक दैट. आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू हैव द पैशन अबाउट दैट थिंग, सो अगर आप अभी क्लास 11 में हो, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो. द एक्सेलरेट डिस्कवरी, अच्छी अच्छी चीजों की खोज लोग करना शुरुआत कर देते हैं. नंबर एट, दे ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभी आपको ऑनलाइन ब्लॉग पोस्ट में नहीं मिलेगी. सो देर आर सो मेनी थिंग्स ओवर देयर. हाउ टू राइट अ ब्लॉग, सो नंबर वन स्टूडेंट, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, प्लान योर ब्लॉग पोस्ट. पहले प्लान कीजिए वॉट यू वॉन्ट टू राइट. ओके, डिसाइड वॉट्स गोइंग टू राइट, वॉट यू आर गोइंग टू राइट. चूज अ टॉपिक, क्रिएट एन आउटलाइन एंड चेक योर फैक्ट्स. पहले अच्छी तरह से एक आउटलाइन क्रिएट कीजिएगा, चेक कीजिएगा और उसके बाद उस पर काम कीजिएगा. नंबर टू, गिव इट एन अट्रैक्टिव टाइटल. टाइटल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. टाइटल से आपका कंटेंट सर्च होता है. इट शुड बी कैची बट क्लियर इनफ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड कैप्चर द रीडर्स अटेंशन. नंबर थ्री, हैव एन इंट्रोडक्शन. थोड़ा इंट्रोडक्शन उसमें होना चाहिए. द इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू शेयर. देन द बॉडी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ दैट सम्स अप द ब्लॉग पोस्ट. एड योर पर्सनल एक्सपीरियंस. आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नंबर फोर में आपको ऐड करना है, यूज इमेजेस टू एनहांस योर पोस्ट, इम्प्रूव इट्स फ्लो, एड ह्यूमर, यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स. इन शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है. अगर आपको ब्लॉग पोस्ट करनी है तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसे लिखना है किसी चीज पर, बहुत सारे यानी कि बापरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेजेस आपने लिख दिए और पोस्ट कर दिए, नथिंग लाइक दैट. इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी. तो आपको कैची एकदम उसका टाइटल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, गोवा का कोई अच्छा प्लेस हो तो उसके बारे में आप वहाँ पर इन शॉर्ट में डाल दीजिएगा इन्फॉर्मेशन, एंड फिर उसका एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए या फिर उस प्लेस का एक छोटा सा पोस्ट फोटो ऐड कर दीजिए. एंड देन गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस, कि वो जगह कहाँ पर है, आपको वहाँ पर कैसे जा सकते हो, वहाँ पर कैसे फैसिलिटी मिलती है, एंड योर ओन एक्सपीरियंस, कि आपने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया. नंबर फाइव, एडिट योर ब्लॉग पोस्ट. मेक श्योर टू अवॉइड रिपीटेशन. रिपीटेशन करना
यानी कि रिपीटेशन मत कीजिए. रीड योर पोस्ट अलाउड टू चेक इट्स फ्लो. हैव समवन एल्स रीड इट एंड प्रोवाइड फीडबैक. पोस्ट करने से पहले किसी और को वो बात पोस्ट दिखाइए एंड देन चेक विद देम दैट इफ इट इज ओके देन यू कैन शेयर इट. नंबर 6 एंड योर पोस्ट विद डिस्कशन क्वेश्चन फॉर रीडर्स टू पोस्ट देयर व्यूज एंड टू कंटिन्यू द डिस्कशन. यानी कि आप क्वेश्चन डाल सकते हो पढ़ने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए. हैव यू विजिटेड एवर दैट प्लेस, कि आप कभी इस जगह पर गए हो. और इफ यू वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग टू गो देयर, देन आपको वो जो व्यूअर्स है वो बता सकते हैं, यस आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू गो, प्लीज प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन, ब्ला ब्ला. मींस देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा. आई हैव गिवन यू द नॉलेज फॉर यूर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ब्लॉग राइटिंग. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड भी नॉलेज हो गया और पैसा अर्न करने के लिए भी एक इनकम, यानी कि एक इनकम सोर्स है आपके लिए. सो दोनों जगह पर रहकर इसका एक अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा एंड यू कैन डू. अगर आपको अच्छा लगा तो आप ब्लॉग राइटिंग के लिए शुरुआत कर दीजिए और एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको अच्छी तरह से लर्न भी कीजिएगा. सो आगे हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट राइटिंग स्किल में. तब तक के लिए Take care of yourself. Thank you so much and bye-bye.